नमस्ते। चलते चलते बीते ऐसे में आप सबका स्वागत। आज हम आप लोगों को ले चलते हैं मायापुर नवद्वीप, जो कि किशकन का एक सबसे बड़ा टेंपल है। आप चलिए, हम लोग सब एक साथ में चलेंगे। 11 जन का हम लोग का टीम है, धीरे धीरे सब दिखाएंगे। चलिए चलते हैं नवद्वीप मायापुर। अभी हम लोग कलकत्ता से निकल रहा है, टालीगंज के तरफ जा रहा है। टालीगंज होके बाईपास रोड पकड़ लेंगे हम लोग। मायापुर, मायापुर रास्ते हम लोग कृष्णनगर होके जाएंगे। ये हम लोग का फुल टीम बस में, बस नहीं ट्रेवेरा है, इसमें जा रहा है। दादा आपने गाई थी गानी है? सीधा चालान ना। सभी लोग एक साथ जा रहे हैं हम लोग। कुछ फोटो सेशंस इनसाइड। हम लोग कृष्णनगर में हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और ब्रेकफास्ट रेडी है, खाने का इंतजार है। अभी हम लोग मायापुर में होटल में आ गए हैं। ये है हम लोग का होटल का कॉरिडोर और ये रूम। तो अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 1 बजे। थोड़ा फ्रेश होके फिर से लंच करने के लिए निकलेंगे और फिर यहाँ पे घूमेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कि क्या क्या है नहीं है। तो लंच करने के लिए अभी जा रहा है, लंच करके फिर से निकलेंगे थोड़ा घूमने और हम लोग फ्रेश हो गए अभी। ये हम लोग रहने का जगह चूज़ किया है, सभी लोग मिलके रेडी होके निकल रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा लंच करेंगे फिर निकल जाएंगे। ये है लंच, वेज थाली और अभी मायापुर में लोकल साइट सीन देखेंगे। तो साइट सीन देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं रास्ता से। ये साइट सीन देखने के लिए हम लोग टोटो हायर कर लिया, क्योंकि बड़ा गाड़ी लेके घूमना मुश्किल है। एक स्पॉट पे हम लोग आ गए अभी, आज का पहला स्पॉट है ये। और ये टोटो भैया हम लोगों को गाइड कर रहा है। ये है नरसिंह मंदिर, यहाँ पे आप लोगों को मालूम है नरसिंह के बारे में। ये आ गए श्रीवास अंगन, फोटोशूट चल रहा था हम लोगों का फुल टीम का। यहाँ पे 500 साल पुराना श्री मतलब वो खोल जो बोलता है वो है, निमाई ठाकुर जो है उन्होंने यहाँ से श्री कृष्णा हरि कीर्तन शुरू किया था। यही जगह है वो जहाँ पे अंग्रेज लोगों ने उसका खोल को तोड़ दिया था। वो टूटा हुआ खोल भी अभी तक मौजूद है। ये सनसेट का टाइम का कुछ फोटोज। फिर से और एक स्पॉट पे आ गया। ये स्पॉट है कि निमाई आश्रम मतलब पहले ये उनका मासी और मौसा का घर था, जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे मायापुर इश्कन मंदिर के अंदर बहुत सारा गेस्ट हाउस है, यहाँ पे भी गेस्ट हाउस काफ़ी है। अगर पहले से आप लोग जोगाजोग करेंगे तो यहाँ पे रह सकते हैं। प्रभुपाद ওই যে আমাদের যে ইসকন মন্দির প্রতিষ্ঠাতা করেছেন, সারা বিশ্বে ইসকন মন্দির আছে, উনি হচ্ছেন এনার শিষ্য, মানে ওনার গুরুদেবের নাম হচ্ছে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিশ্বাস। আচ্ছা, মানে উনি হচ্ছে উনি 108টা গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম গৌড়ীয় মঠ। ये गिरी गोवर्धन मंदिर है। गिरी गोवर्धन मंदिर में हम लोग घूम रहे हैं।
राधा कुंड मतलब यहाँ में जो पानी है वो वृंदावन से ला के, वृंदावन का जो ओरिजिनल राधा कुंड है वहाँ से पानी ला के यहाँ में डाला, यही राधा कुंड का पानी पवित्र माना जाता है। एक्चुअली यहाँ का कहना है कि श्याम कुंड जो बनाया गया था उसके बाद में गोपियों ने ये मांग किया था कि हम लोगों के लिए भी वृंदावन से पानी ला के यहाँ पर राधा कुंड बनाया जाए, तब ये बनाया गया था। तो राधा कुंड देख के हम लोग फिर से इश्कन में आ गए। इश्कन में अभी थोड़ा घूम रहा है और यहाँ पे ये गीता भवन में हम लोग डिनर करेंगे, मतलब कि महाभोग प्रसाद जो है वो ग्रहण करेंगे। उसके लिए कूपन कटना पड़ता है, ये पहले से ही कूपन लेना पड़ता है। हर किसी जगह में, किसी किसी जगह में फोटो अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा है कैसे कैसे करना पड़ता है। वहाँ जाते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे टिकट काटना है। ज़्यादा नहीं, 40 रुपया करके टिकट है, प्रसादी कूपन है और बच्चों के लिए 20 रुपया। तो हम लोगों का डिनर हो गया, अभी हम लोग होटल में जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल सुबह, तब तक ले बाय बाय। ओके टाटा।